अक्सर हमने दिखाया है इंडियन एक्टर्स और बिजनेसमैन को हॉलीवुड जाते हुए, लेकिन अब पहली बार मेरे साथ ऐसे शख्स हैं जो एक्टर भी है, बिजनेसमैन भी है और जो हॉलीवुड को इंडिया लेकर आए हैं, सचिन जोशी एंड गौरी खान। सचिन, गौरी, वेलकम टू जूम। थैंक यू सो मच। सर जी, पहले बताइए कैसे आपने इस कॉन्सेप्ट को एस्टैब्लिश किया था? मैं हमेशा से गोवा में होटल बना रहा था और दीपिका जो विंडम के हेड है तो उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी डिस्कस की मेरे साथ प्लानेट हॉलीवुड की, एंड द मोमेंट ये अपॉर्चुनिटी मिली आई ग्रैब्ड इट। गौरी, आप इसका इंटीरियर कर रही हैं, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी पूछा था, आपने इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, क्योंकि गोवा है, प्लानेट हॉलीवुड है, किस तरह का ध्यान आपने रखा हुआ है इस पर? तो जब इन्होंने मेरे को बताया इसके बारे में, सबसे पहले तो ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है कि ये होटल लॉबी, यू नो, डिज़ाइन ऑफ दैट। सो अभी तो मैं सब सिर्फ बिल्डर्स एंड यू नो दोज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स आई एम डूइंग। सो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी दैट इट वाज यू नो सचिन अप्रोच मी फॉर दिस, एंड ऑल्सो द डिज़ाइन इज़ कम्प्लीटली ओरिजिनल। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द प्रोजेक्ट। इट्स नॉट दैट वी हैंड पिक फ्रॉम यू नो एक्स वाई एंड जेड कंट्रीज और पुट इट टुगेदर, और इट्स यू नो वी जस्ट ब्रॉट थिंग्स टुगेदर। सो इट्स टोटली माई ओरिजिनल डिज़ाइन, एंड वी डन ऑल पोस्टर्स ऑफ Planet Hollywood and you know all those kind of things with cushions and so it's very exciting. It's not a typical Goa look. Yeah. It's you know it's very original. So which is what is very very exciting for me. So that's why. Sachin, have you visited the previous Planet Hollywood hotels or the hotels which were been? Vegas ki jo inka Planet Hollywood hai jo I think. बहुत लार्ज है, 3000 कमरों का एक होटल है, मतलब अगर आप वो एम्बियंस देखेंगे तो हमारा काफ़ी छोटा सा होटल है। बट वहाँ जाने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की कि आज गोवा एक पार्टी डेस्टिनेशन के नाम से जाना जाता है, बट हमारे जो होटल्स हैं वो काफ़ी सबड्यूड है, रिलैक्सिंग है, काफ़ी एटमॉस्फेयर नॉर्मल सा रहता है। क्यों ना हम उसको एक यंग, एनर्जेटिक, एक वाइब्रेंट होटल बनाए, कलरफुल बनाए, काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाए। तो प्लानेट हॉलीवुड के जो ओरिजिनल सेंसेस है जो मायामी या आप वेगस में देखते हैं, वो एक नयापन आपको इंडिया में देखने मिलेगा, गोवा में देखने मिलेगा। और जैसे ही मैं मिसेस खान के पास गया, एक बहुत ही सिंपल सा मैंने उनको कहा कि आपको इतना एक्सपीरियंस है बॉलीवुड का, सिनेमा का, तो आप वो कैसे एसेंस प्लानेट हॉलीवुड का इसमें ला पाएंगे? तो जो जो चीज़ें अब तक इन्होंने बनाई हैं इन टर्म्स ऑफ द फर्नीचर या जो स्टाइलिंग इन्होंने क्रिएट किया, अपने आप में एक यूनिक है और ऑडियंस को एक नयापन देखने मिलेगा इनके फर्नीचर। जी, आप जब भी जाते हैं अपनी फिल्मों के लिए जाते होंगे, अपने बिजनेस ट्रिप्स के लिए जाते होंगे, आप भी जाते होंगे, तो आप क्या सोचते हैं कि जब आप किसी होटल में एंटर करें सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आती है, कि नीड क्या है? देखिए, मेरे लिए जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ होटलों में, मैं देखता हूँ कि हाइजीन कैसा है, क्लीननेस कैसा है, एम्बियंस कैसा है, क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी चीज़ों का जो मैं उम्मीद करता हूँ होटलों से, उस चीज़ को बारीकी से देख के इस होटल में करने की कोशिश की है कि उसको कैसे बेहतर किया जाए, और दैट्स व्हाट आई थिंक इज़ गोइंग टू बी द चैलेंज। गौरी, आप क्या ध्यान में रखती हैं जब आप किसी भी होटल में एंटर करती हैं या स्टे करने के लिए जाती हैं, अक्सर हॉलीडेज के लिए जाती होंगी, अपने बिजनेस ट्रिप्स के लिए जाती होंगी? हाँ, तो क्योंकि मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ तो ये मतलब नहीं है कि व्हेन आई एंटर द होटल सो कि मुझे लगे कि वाह क्या सुंदर होटल है। तो सुंदर तो एक चीज़ है, बट एज ही सेड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्विसेज, यू नो दैट एवरीथिंग शुड बी, दे शुड हैव गुड सर्विस एंड एवरीथिंग शुड बी लाइक यू नो प्रॉपर एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड यू नो ऑल द बैकअप ऑफ all the you know hotel bookings, all that should be fantastic. It's not only about the look of the hotel and the feel of the hotel. So that is really really important. So of course I'm doing the interiors for his hotel, and it's going to be fantastic. But of course the most important is the hotel will you know do well only when all the other facilities are fantastic and they're all looked into it with detail, and you know that's what Sachin is, where he's going to come, the administration, all of that. तो कहीं आप जाती हैं तो कमियां निकालती हैं ऐसे कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, उसमें कमी है? हाँ बिल्कुल, यही काम है हमारा, सबसे पहले क्रिटिसाइज करो होटल को, उसमें ये अच्छा नहीं है, ये गंदा है, ये कुछ नहीं, बाथरूम खराब है, शावर। तो कई बार हम करते हैं, सब करते हैं, सब करते हैं, आप भी करते हैं? मैं तो सबसे ज्यादा। सचिन, आप करते हैं ऐसे कि यार इसमें ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं, आपने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं? अब मेरा हाल थोड़ा सा अलग हो गया है, क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ तो मैं
चारों तरफ होटल में देखते रहना, मेरा फोकस जो एक्चुअल एक्सपीरियंस लेने में है वो ही नहीं रहा है। हाँ, तो आप सोचते कि इससे बिजनेस कैसे लीजिए। हाँ, मतलब इसमें ये दीवार कैसी अच्छी बन सकती है, अच्छा इसमें और क्या नया बन कर सकते हैं, कैसे सर्विस में और एक्सपांड कर सकते हैं, कपड़े कैसे पहनेंगे लोग। तो अब हर चीज़ एक एक बिजनेस के एस्पेक्ट से देखता हूँ मैं, ना कि बजाय कि जो एक्चुअल इसेंस है उस प्रॉपर्टी की या जो उसका एक्सपीरियंस है वो नहीं ले पाता हूँ। जी गौरी, क्या एक इंटीरियर डिज़ाइनर जो है वो अक्सर नीट फ्रीक भी होता है और अपने घर पर बिल्कुल भी गंदगी बर्दाश्त नहीं करता, कि आप ऐसी हैं? बिल्कुल, मैं ऐसी तो हूँ, किसी को लिटर करना अलाउ नहीं, किसी को गंदगी करना अलाउ। हाँ, तो बट इसमें प्रॉब्लम ये भी है कि घर जब थोड़ा बड़ा हो नॉर्मल हिसाब से तो ज़्यादा फिर लोग भी चाहिए उसको देखभाल करने के लिए। सो ऑफकोर्स यू नो आई एम वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई होम एंड द क्लेंलीनेस एंड I try my best, but there are times when I fail. Yeah. So, you know, there's nothing I can do about it. But always, I'm constantly trying and making sure that, you know, the home is always beautiful, spick and span. We are also aware of your culinary skills, which we know that you cook very well. So are you going to offer any kind of culinary tips to the hotel staff which you have been joining with? I enjoy eating more than cooking. Yeah, So I think when we go and visit the hotel, and of course it's a very, very, as I said, not only the interiors, everything has to be, and food is one of the main attractions in any big hotel. So a lot of people, even if the, you know, facilities are not, like the rooms are not fantastic or anything, but I think the most important, if a hotel has a good restaurant and the food is great, I think it can be a major attraction for people to stay there or people to visit there. So of course, I think it's one of the very important factors in any hotel. Sachin, when we talk about star aspect from India, Indian stars and Indian film industry, how will you get the star aspect? Are you planning to get the star aspect also in this particular hotel? Well, मैं समझता हूँ हमारा काम है एक अच्छी प्रॉपर्टी बनाना, जैसे इन्होंने अभी कहा कि अच्छी सर्विस कैसे प्रोवाइड करें, अच्छा खाना कैसे प्रोवाइड करें, तो ये सारे एस्पेक्ट्स का फिलहाल मेरे दिमाग में फोकस है। और जहाँ तक स्टार्स की बात है, आई मीन एवरीबडी इज़ वेलकम, वी ऑल इन द सेम इंडस्ट्री एंड दे ऑलवेज वेलकम टू कम एंड विजिट माई प्रॉपर्टी। जी, जैसे कि मैं, आपने मुझे पहले कहा था कि जब आप शाहरुख से मिले तो शाहरुख ने कहा था कि इंडियन क्यों नहीं कर रहे हैं इसे। वेल नहीं, उन्होंने ये कहा था कि ये प्लान हॉलीवुड है, बहुत अच्छी बात है, किसी दिन हमको साथ में मिलकर प्लान बॉलीवुड करना चाहिए। जी, तो बॉलीवुड के बारे में आपका क्या ख्याल है कि एक और ऐसी चेन होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, तो ये अगर मैं जो डिज़ाइन के लिए देंगे तभी मैं प्रमोट करूँगी ना। अच्छा, जब सचिन की तरफ से ऑफर आएगा तभी कौन करेंगी, वरना फिर ऐसे नहीं करेंगे। सचिन, तुरंत एक ऑफर आपको आया कि तुरंत एक और असाइनमेंट लीजिए आप? चलो अभी डिसाइड कर लिया, हम प्लान बॉलीवुड पूरी दुनिया में फैलाएंगे। जी गौर, ये बताइए कि नॉर्मली जो है हमने देखा कि आप काफ़ी काम कंपोज रहती है, आप मीडिया से इतना इंटरेक्ट करने से क्यों बचती हैं, ये बताइए हमसे क्या दिक्कत? नहीं, बट दिक्कत पहले ये थी कि कुछ बात करने को नहीं थी। So, you know, when you talk to discuss my family, and it's extremely personal. So, I like to keep that to myself. So, before I wasn't working. So, you know, when you go out in the media and you talk, what are you going to talk about? You're going to talk about your personal life, and which I think is not required. And today, yeah, exactly. So today I have to be out there and I get to speak about my work, my passion, which I find extremely exciting, and I love it. So I can talk about that today. So it's not that I'm media shy, I'm definitely not media shy, but it's just that what should I discuss? My kids, my husband, I'm not interested, you know, and it's personal. So I like to keep it that way. So as we say that there's always a woman behind a successful man, we media fondly call Shahrukh King Khan. Do you think if Shahrukh is king, Gauri is kingmaker? I don't think so. You don't think so? No. You have to, I think he's just worked hard, and I really don't think that I have any hand to play. Or I, of course, I've been his major support, you know, in everything, and supported him throughout his life and been there for him. But I don't think that I'm the reason behind his success. But Gauri, we also think that जब भी कोई दिक्कत होती है, जब भी कोई परेशानी होती है, तो सबसे पहले जो इंसान जो अपने क्लोज बंदों के पास जाता है, तो क्योंकि बहुत एक बहुत स्ट्रेनियस काम होता है, बहुत स्ट्रेसफुल काम होता है उनका, तो कभी टीम हार गई, कभी कोई फिल्म को कुछ अच्छा हो नहीं हुआ, तो क्या ही ब्रिंग्स दैट पर्टिकुलर थिंग एट होम एट ऑल? कभी यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। देन अगर क्रिकेट मैच ही यू नो लूजेज तो बात नहीं करेंगे किसी के साथ, दरवाज़ा बंद करके ही बी सिटिंग फॉर आवर्स। सो ऑल दैट ऑफ कोर्स ही डज ब्रिंग इट होम, बट नॉट ऑलवेज, बट अ फ्यू थिंग्स लाइक क्रिकेट
You know, not his films, I would say, but cricket, yes. He goes totally, you know, very, very into the game. Yeah, we have seen his passion. Absolutely into the game. So, I have to deal with that, I have to say. Sachin, what about you? Do you bring your, like, जो भी एक्टिंग के थोड़े बहुत प्रेशर्स होते हैं, बिजनेस के प्रेशर्स होते हैं, घर पर आते हैं, वो सब वेल रियलिटी यही है कि देखिए कोई भी काम मैं करता हूँ तो काफ़ी पैशन ओरिएंटेड काम करता हूँ. मेरे लिए काम खाली एक काम की तरह नहीं है, दिल लगा के काम करता है. और जब भी कुछ ऐसा प्रेशर होता है तो डेफिनेटली जाहिर बात है आप घर पर आएंगे, अपने घर पर डिस्कस करेंगे और ट्राई टू रिजॉल्व विद योर सपोर्ट सिस्टम. ओके, लास्ट क्वेश्चन. हम लोग हॉलीवुड की बात कर रहे हैं तो हॉलीवुड के ऐसा एक्टर और बॉलीवुड का ऐसा एक्टर जो सचिन जोशी का बहुत फेवरेट हो. वेल आप शाहरुख खान का नहीं, मतलब ये एक सवाल मेरे पास कम से कम 100 दफ़ा है, उनके सामने भी आया, उनके पीछे भी आया. देखिए मैं हमेशा कहता हूँ ही इज़ अ वेरी पैशनेट मैन. ही इज़ एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ इन टर्म्स ऑफ वेदर इट इज़ एक्टिंग और फिल्म मेकिंग या जिंदगी को कैसे जीना चाहिए. आई गेट लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम, सो आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट इंस्पिरेशन टू मी. जी गौरी, आपसे मैं ये सवाल पूछूंगा, ये थोड़ा अलग तरह से, क्योंकि शाहरुख ने एक बार कहा था कि मेरे बच्चे जो हैं वो आमिर खान के बहुत बड़े फैन हैं, तो क्या अभी भी वो आमिर के फैन है और गौरी किन की फैन है? क्या वो भी आमिर की फैन है? ऑफ कोर्स आप भी आमिर की फैन है, बट आप ये हर जगह अगर आप बोलेंगे तो क्या मैं बोलूं? नहीं, आप किसकी फैन है ये बताइए. मैं किसकी फैन हूँ? जी, इंडियन एक्टर जिसका वर्क आपको काफी अच्छा लगता हो, अपार्ट फ्रॉम आमिर खान. I think I'm going to skip this question because you're going to plaster it everywhere. Yeah, of course, I think Amir is a great actor and of course, he's brilliant, yeah.